जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक या बूढ़ा तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दातालो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें ना देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, कुछ भुजा उठा कर कहते
गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। इस मूठ माधुरी के झांके यदि सदा मिला करती स्वामी, इस मूठ माधुरी के झांके यदि सौभाग्य समझते हम अपना, कौतूहल नाथ तुम्हारा है। मैं बारम बार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहरबानी हुई। आज 11 जनवरी 2018 को सांगली जिला के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। इस कलयुग में जब उस मालिक की विशेष दया कृपा मेहरबानी जीवों पर होती है तब उनको सत्संग मिलता है, लेकिन पहले के समय में बराबर लोग सत्संग सुनने की आदत डाल रखे थे। जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम लोग आयोजित करते, सुनते और सुनाते रहते थे। जब लोगों को सत्संग मिलता रहता था तो हर तरह की जानकारी होती थी, और जानकारी के मुताबिक जब महात्माओं के बताए हुए, संतों के बताए हुए रास्ते पर लोग चलते थे तो आज की तरह से परेशानियां नहीं थी। घर घर में लड़ाई झगड़ा, वैमनस्य, ईर्ष्या द्वेष, चोरी बेईमानी, ठगी नहीं थी।
इतने रोग नहीं थे। आदमी घर छोड़ करके परेशानियों से भागता नहीं था, औरतें परेशानियों की वजह से जल करके मरती नहीं थी। भाई भाई में इतना प्रेम था कि देखो भाई भाई के लिए जंगल चले गए थे राम के साथ लक्ष्मण। पिता पुत्र में प्रेम, पति पत्नी एक दूसरे के फर्ज को समझते थे, इंसान में इंसानियत थी, मानवता थी। कुदरत यानी प्रकृति के नियम के खिलाफ कोई काम करता नहीं था, सब अनुकूल काम करते थे। तो खुश होकर के कुदरत समय पर जाड़ा, गर्मी और बरसात किया करती थी। शक्ति रूपी धर्म, अहिंसा रूपी धर्म, परोपकार और सेवा रूपी धर्म का पालन जब लोग करते थे तो आत्मा परमात्मा की भी जानकारी लोगों को होती थी। इस वक्त पर राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, अन्य कथा और प्रवचन जगह जगह होते तो रहते हैं, लेकिन लोगों के अंदर उससे सुधार नहीं आता है। कर्तव्य का पालन करना लोग सीख नहीं पाते। कुदरत के बरखिलाफ काम नहीं करना चाहिए, ऐसी जानकारी उनको नहीं हो पाती है। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब इंसान अपने शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करता। इस वक्त पर इंसान शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगा हुआ है। खाने का इंतजाम शरीर के लिए, कपड़े का इंतजाम शरीर के लिए, घर मकान बनाओ शरीर की रक्षा के लिए, लड़कों बच्चों को पाल पोष के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ कि कमा करके लाएंगे, बुढ़े शरीर को खिलाएंगे, सेवा करेंगे, जो कुछ भी इंसान कर रहा शरीर के लिए कर रहा। रुपया पैसा धन दौलत मान प्रतिष्ठा किस लिए बढ़ा रहा कि हमारे शरीर के लिए यह काम आएगा, ऊंची कुर्सी ऊंचा स्थान हमको मिलेगा, अच्छी गाड़ी घोड़ा में चलेंगे, अच्छे मकान में रहेंगे, इसी में इंसान इस वक्त पर लगा हुआ। यह मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य उद्देश्य लोगों के समझ में नहीं आ रहा। कौन सी ऐसी चीज निकल जाने के बाद यह शरीर और यह धन दौलत रुपया पैसा ये बेकार हो जाता है, इस चीज की जानकारी लोग नहीं कर पा रहे। आपको समझने की जरूरत है, यह दुनिया और दुनिया की चीजें ये आपकी कुछ भी नहीं है। जब शरीर को आप अपना शरीर कहते हो, अच्छा खिलाते, अच्छा पहनाते हो, अच्छे मकान में रखते हो, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, ऊंची कुर्सी सम्मान इज्जत की जगह पर इसको बिठाते हो, ये शरीर भी आपका नहीं है। ये जिसका देश है, जिनको काल भगवान कहा गया, ईश्वर खुदा कहा गया, ये उनका शरीर है। कुछ समय के लिए उन्होंने आपको दिया है, खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं, विशेष काम के लिए। जैसे समय पूरा होगा, सांसों की पूंजी जो गिन करके खर्च करने के लिए मिली है ये खत्म होगी, ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का शरीर हो, यह धड़ाम से गिरेगा और इसको लोग मिट्टी कहने लगेंगे। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है, ये हीरा जैसी काया, इसको ये मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद
जीवात्मा के निकलने के बाद हर कोई के शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं, कहते जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। जैसे ही निकलने का समय आता है, महल कोठरी से बाहर निकाल देते हैं। आप देखो, गांव के अनपढ़ लोगों को भी पता चल जाता है कि अब इनका आखिरी समय आ गया। पैर के ऊपर हाथ रखते ही कहते, अरे भाई पैर ठंडा हो गया। हाथ के ऊपर जैसे हाथ रखे, बोले रे हाथ भी ठंडा हो गया। पलकों को जैसे देखे कि इनका झपना बंद हो रहा है धीरे धीरे, फौरन कहते इनको बाहर निकालो। उत्तर सिर करके लेटाते हैं। क्यों लेटाते हैं? कि जल्दी से प्राण निकल जाए। अब तकलीफ को कोई जल्दी नहीं देख पाता है। जब किसी को बीमारी हो जाती है, छटपटाता है, रोता है और इलाज कराता है, जल्दी नहीं ठीक होता है, तो कहते हैं कि अब इनका प्राण ही निकल जाता तो अच्छा था, शरीर ही छूट जाता तो अच्छा था। ज़्यादा दिन से कोई बीमार हो जाता है, रिश्तेदार देखने के लिए जाते हैं, जब देख करके वापस लौटते हैं, लोग पूछते हैं मामा जी का क्या हाल है, तब देख कर जाने वाला कहता है कि हाल तो बेहाल है, इससे अच्छा तो उनका शरीर ही छूट जाता तो ठीक था। लेटे लेटे, बैठे बैठे, आने समय लो समय पास कर रहे हैं। लेटे लेटे करवट, बदन कट गया, पीठ कट गई, लेटे लेटे उठने बैठने में भी दिक्कत, कोई उठाता बैठाता, इससे अच्छा तो चले ही जाते तो ठीक था। तो आखिरी वक्त पर तकलीफ होती है। किसको तकलीफ होती है? कि जो अपने शरीर के लिए ही पूरे जीवन में सब कुछ करते रहते हैं, शरीर के लिए ही साजो सामान इकट्ठा करते रहते हैं, इस भूल और भ्रम के देश में अपनी ही सारी चीज़ों को समझते हैं। जैसे घर मकान लोग बनाते, कहता मेरा मकान बन रहा है, मेरी कोठरी बन रही है, मकान में रहते भी हैं लेकिन छोड़ करके चले जाते। जिस मकान को अपना मकान कहते हैं, उसी में बाप दादा भी रहते रहे, यही कहते रहे, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, लेकिन वो छोड़ करके चले गए। रुपया पैसा कहते मेरा मेरा मेरा, जमीन जायदाद मेरी, दुकान मेरी, गाड़ी घोड़ा मेरा, मेरा मेरा समझते हैं, लेकिन वो होता किसका है? यानी वो और लोगों का होता है। अगर बच्चे अच्छे हुए, नेक हुए, बच्चों का ध्यान रखा, उनको पढ़ाया लिखाया ठीक से, तौर तरीका तहजीब सिखाया, उनके अंदर धार्मिक भावना भरी, भजन सुमिरन कराया, तो बच्चे नेक निकलते हैं, वो उसमें रहते हैं मकान में। और अगर ध्यान नहीं दिया, नालायक निकल गए, तो मकान को बेच देते हैं। जिसमें पूजा पाठ करते रहे, यज्ञ जप तप करते रहे, साधना करते रहे, खरीदने वाला उसमें मुर्गा भैंसा काटता है, उसी में व्यवचार करता है, उसी में जुआ खेलता है, शराब पीता है, यानी जिसको मंदिर मान करके यानी बना रखा था, उसी को यानी समझ लो कि वो गंदा करता है। अब आप ये समझो कि अपना ही कहते कहते जो रह जाते हैं और अपने लिए ही सब कुछ जो करते रहते हैं, अंत दुखदाई। गोस्वामी जी ने कहा, न यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। जो इस चीज को समझ जाते हैं, आत्मा परमात्मा को समझ जाते हैं, परमात्मा को तो आप सब लोग जानते ही हो, परमात्मा भगवान का नाम तो लगभग सभी लोग लेते हैं। आने समय लो मुसीबत जब आती है तो नास्तिक को भी भगवान याद आ जाता है, तो भगवान का नाम तो सब लोग जानते हैं। आप कोई मिट्टी को भगवान मान लेते हैं, कोई पत्थर को मान लेते हैं, कोई गोबर को मान, जिसकी जहाँ तक की जानकारी होती है, यानी वो वहाँ तक का लोगों को जानकारी कराता है। जिसको जिस तरह के गुरु
जिस तरह का रास्ता बताने वाले मिले वो उसी तरह से जानकारी करा देते हैं तो लोग भगवान को मानते हैं। और आत्मा क्या है? आप बैठे हो, आपके शरीर में छुरा चुभो लिया जाए तो आप खून, आपके शरीर से जिस्म से खून निकलेगा, और जब खून निकलेगा तो रोओगे, चिल्लाओगे, हरकत करोगे, भागोगे। लेकिन आत्मा निकल गई, प्राण निकल गए, तो कितना इसको काट डालो पता नहीं चलेगा। तो यह है आत्मा, यानी जो इस शरीर को चलाती है, यानी ज्ञान बहन कराती है, गर्मी ठंडी का एहसास कराती है, यह है आत्मा। इसी को रूह कहते हैं। चीज तो एक ही है, नाम अलग अलग है। देखो, उसने जितनी भी चीजें बनाई वो इंसान के लिए बनाई, और मालिक ने इंसान बनाया, न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, न ब्राह्मण बनाया, न क्षत्रिय वैश्य बनाया, न आदिवासी बनाया, न यादव बनाया। उसने तो इंसान बनाया। खून एक तरह का, हड्डी एक तरह की, मांस एक तरह का, लेकिन अन्य नाम अलग अलग, जगह के हिसाब से अन्य उसका लोगों ने रखा। मालिक का भी नाम रखा अलग अलग नाम से उन्होंने पुकारा, और अन्य आदमी को भी अलग अलग नाम से पुकारा। तो जो रूह है, जीवात्मा है, वो सबकी एक ही जैसी है। तो अब आप ये समझो कि अन्य ये रूह, ये जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है, अन्य इसके लिए, अन्य इसको निजात दिलाने के लिए, अन्य इस शरीर के रहते रहते इसको अपने वतन मालिक के पास पहुंचाने के लिए, यह अन्य मनुष्य शरीर अन्य हमको आपको सबको उस मालिक ने दिया। तो अब आप ये समझो कि जो इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को समझ जाते हैं, और यहीं के लिए सब कुछ नहीं, शरीर के रहते रहते कुछ वहाँ के लिए भी करते हैं, उनको आखिर में तकलीफ नहीं होती है। जो संत होते हैं, किसी ने फकीर कहा, पूरा फकीर कहा, किसी ने संत सदगुरु कहा, वो अपने रूह, अपनी जीवात्मा को, अपने प्राणों को जब चाहते हैं तब निकाल ले जाते हैं। सांसों की पूंजी को अपने बचा करके रखते हैं, और सांस जब बचा रहता है तो जीवन बहुत दिन तक चलता है। जैसे सांस पर ही आप चलते हो, सांस बंद हो जाए तो अभी यह शरीर छूट जाएगा। अब सांसों की पूंजी ये जो मिली है, गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, इसको जो जैसा खर्चा करता है उसी हिसाब से उसकी उम्र होती है। कोई देखो 90 साल, कोई 80 साल, कोई 40-45 साल, कोई 18-20 साल में ही दुनिया से चला जा रहा है। तो जिसने ज़्यादा खर्चा किया उसकी उम्र ख़त्म हो गई, और जो बचा के रखता है, जो बचाने का तरीका सीख जाता है, यानी जीवात्मा को, रूह को इस जिस्म से निकाल करके 14 तबक का सैर कराने लगता है, ऊपरी लोकों में, स्वर्ग वैकुंठ में घुमाने लग जाता है, तो उस समय पर सांस बचे रहते हैं। और अगर इसको भोग में बिताते हैं तो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, उससे कम सोने में, उससे कम अन्य समय लोग की चलने में, और सबसे कम बैठने में, बैठे 12 चले 18, सोवे से 36, और रथ क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। तो संत चाहते हैं तो बचाए रहते हैं, और ज़्यादा दिन तक इस दुनिया संसार में रहते हैं, लेकिन शरीर सबका पुराना होता है। जितने में संत, महात्मा, फकीर, औतारिक शक्तियाँ इस दुनिया संसार में मनुष्य शरीर में आए, सबको इसीलिए छोड़ करके जाना पड़ा। ताकत को तो यही किसी दूसरे को दे करके जाते हैं, लेकिन शरीर छोड़ देते हैं। तो शरीर छोड़ने में, अपनी आत्मा और प्राणों के निकालने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो तरीका सीखे हुए होते हैं। मर कहते हैं ना, दिन भर में 10 बार मरो और 10 बार जिंदा हो जाओ। मरने का मतलब यह है कि अन्य यहाँ दुनिया छोड़ दो इधर और निकल जाओ, अन्य जीवात्मा को, रूह को निकाल लो इस जिस्म से, शरीर से, और ऊपर चले जाओ तो इसमें कोई जान नहीं रहेगी, और फिर वापस ले आओ इसी में, तो जिंदा हो गए, निकाल लिया तो मर गए, समझ लो।
और फिर जिंदा हो गए वापस ले आए। तो ये तरीका जो सीख जाते हैं उनको आखिरी वक्त में कोई तकलीफ नहीं होती है, आराम से निकाल लेते हैं। जो साधक सिद्ध होते हैं उनके प्राण सुषुम्ना फोड़ के निकालते हैं। देखो इस शरीर को यानी तीन नाड़ियाँ ये चलाती हैं, इंगला पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियाँ हैं। इन्हीं से यानी इस पूरे शरीर के अंदर यानी समझ लो बहुत पतली पतली नसें हैं, नलियाँ हैं, उससे उसका संबंध है, बहुत पतली पतली हैं। अब आप देखो कभी कभी ऐसा होता है बहुत दर्द होता है, पता नहीं चलता है कहाँ दर्द हो रहा, दबाने से कुछ पता नहीं चलता है और नस के ऊपर नस चढ़ जाती है। ऐसे ऐसे कहीं इधर उधर ऐसे घूमने में ऐसे आप देखे होंगे कहीं ऐसे कहते हो ना, ऐसे घूम रहे थे बस एकदम से दर्द शुरू हो गया तो नस के ऊपर नस चढ़ जाती है तो दर्द होता है। तो उसी से ये सारी यानी नसें यानी समझ लो कि जुड़ी हुई है, इंगला पिंगला सुषुम्ना इन तीन नाड़ियों से जुड़ी हुई, और शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है जीवात्मा वो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर बैठी हुई है, बहुत छोटी अति सूक्ष्म, उसको इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो, अन्य समझ लो कि अन्य वो नुक्ता है सफ़ेद, अन्य को आप देख नहीं सकते हो, ये नुक्ता जो आप लिखते पढ़ते हो रख देते हो हाथ से बना देते हो इसको तो देख सकते बना सकते हो लेकिन उसको आप नहीं देख सकते, बहुत ही छोटी है वो जीवात्मा, अन्य किसी भी दुनिया की मशीन से उसको देखा नहीं जा सकता। जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तब वो मालिक उसमें डाल देता है, तो वो यहाँ पर बैठी हुई है और चलाती कैसे है शरीर को, इसमें चक्र हैं, यहाँ कंठ चक्र, हृदय चक्र और यहाँ पर नाभि चक्र और इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र है। तो इसका जो प्रकाश है और रोशनी है यहाँ हृदय चक्र पर पड़ता है और यहाँ से वापस होता है तो यहाँ नाभि पर और इंद्रिय पर और गुदा पर पड़ता है, तो ये शरीर चलता रहता है। इन्हीं स्थानों पर देवताओं का स्थान बताया गया, गुदा चक्र पर गणेश जी का स्थान, इंद्र गणेश जी और आपके रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि कौन है, रिद्धि एक सिद्धि है, कहते हैं जब उसकी सिद्धि हो जाती है तो जहाँ पर यानी सिद्धि जो किया रहता है वहाँ भरा भंडार रहता है, भंडार कभी खाली नहीं होता है, तो रिद्धि एक सिद्धि है, तो रिद्धि सिद्धि और गणेश का स्थान गुदा चक्र पर। इंद्रिय पर यानी समझ लो कि ब्रह्मा और सावित्री गायत्री का स्थान बताया, और यहाँ पर आपके नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी का, और हृदय चक्र पर शिव और पार्वती का, और इसके ऊपर भी चक्र है ये कंठ चक्र है, यहाँ पर आद्या महाशक्ति इन तीनों की माँ ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ का स्थान, और यहाँ पर चार दल कमल आने समय लो यानी चार दल कमल के नीचे आने समय लो कि तीसरा तिल कहा किसी ने पिंडी दसवां द्वार कहा, किसान ने नुक्ता सफेद सफेद का स्थान बताया, तो वो समझ लो कि वहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है। तो इसी यानी जीवात्मा से ये शरीर चलता रहता है, 5 स्थान इसके नीचे है और 5 स्थान ऊपर है, सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, दसवां द्वार, बौर गुफा और सतलोक, बीचों बीच में ये बैठी है। तो अब आप ये समझो कि जो साधक सिद्ध होते हैं उनके प्राण अन्य समय लोग सुषुम्ना फोड़ कर निकल जाते हैं, और जो अन्य समय लोग धार्मिक होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, सत्य बोलते हैं, सच्चाई का पालन करते कराते हैं, जीवों पर दया करते हैं, हिंसा हत्या नहीं करते हैं, रहम करते हैं, अन्य समय लोग रहमान के जो बंदे होते हैं, और जो अन्य समय लोग की इमदाद मदद करते हैं, सेवा करते खिदमत करते हैं, अन्य उनके जो प्राण हैं वो समय लोग मुंह से आँख से कान से निकलते हैं, और जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं वो अन्य समय लोग बहुत तकलीफ पाते हैं, उनके प्राण निकलते नहीं निकाले जाते हैं, इनको मलकुनमोट कहा गया, यमराज का दूत कहा गया, वो आते हैं निकालने के लिए, मार मार करके काट काट करके यानी झुलसा झुलसा करके मुगड़ी मुगड़ी हथौड़ी चढ़ा करके आने समय लो निकालते हैं। किस रास्ते से,
संन्यास जिसको कहते हो संन्यास का रास्ता, टट्टी का रास्ता, पेशाब का रास्ता, उधर से निकालते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। जन्मत मरत दुसाह दुख होई, अपार कष्ट होता है आखिरी वक्त पर। तो ये आने समय लो शरीर तो यहीं छूट जाता है, और पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, उसमें बंद करके और ले जाते हैं कहाँ, यमराज के सामने पेश करते हैं, वो जो इंसाफ करने वाला है उसके सामने, यानी कहा गया ना कि इंसाफ के तख्त के सामने एक दिन तुमको खड़ा होना पड़ेगा, एक दिन वहाँ तुम्हारे कर्मों का लेने देने का हिसाब वहाँ पर होगा, जो तुमने अच्छा या बुरा किया, नेक और बद जो तुमने किया उसकी सजा तुझको, यानी वो इंसाफ करने वाला इंसाफ के तख्त के सामने खड़ा करके और तुमको वो देगा। तो इंसाफ के तख्त के सामने यानी शुरू को यानी खड़ा किया जाता है, तब वो डांट फटकार लगाता है, डांट फटकार और मार काट, तो यानी उसके जो मलकुन मौत होते हैं यमराज के दूर, वही कटे रहते हैं रास्ते में। यानी समझ लो कि जो जानवर आज लोग मार करके खा जाते हैं, वो भी बदला लेने के लिए रास्ते में मौजूद रहते हैं, पंजा मार देते, दांत से नोच लेते हैं, बहुत ही दुर्गम रास्ता यानी समझ लो कठिन यानी रास्ता, जिधर से ले जाते हैं रगड़ते घसीटते हुए, कटे हुए पत्थर बिछे हुए, बाले लगे हुए, ऊपर से गर्म राख बरसती रहती है, कीड़े मकोड़े मच्छर यानी समझ लो रास्ते में खाते काटते रहते हैं, बड़ी परेशानी। लेकिन जब उसके सामने जब खड़ा किया जाता है और वो फिर डांट फटकार लगाता है, तो कहता है भाई इंसानी जामा तो तुमको गुनाह करने के लिए नहीं दिया गया, ये तो इबादत करने के लिए दिया गया था, उसने दिया था कि इसको तुम पाक साफ रखना, इस मानव मंदिर को गंदा मत करना, इसके अंदर कोई भी मुर्दा मांस मत डालना, ये इबादत के लिए तुमको दिया था, लेकिन तुमने इसको गंदा किया, तुमने जिस्मानी मस्जिद को पानी गंदा कर दिया, इसलिए तू इबादत भी किया, तू पूजा पाठ भी किया, लेकिन तेरी कबूल नहीं हुई, और तू अज्ञान बस अज्ञानता बस जबान के स्वाद के लिए जानवरों को मारता काटता रहा, चोरी डकैती किया, व्यभिचार किया, तूने गलत इस्तेमाल उस्मानु मंदिर का किया, और जो पैर तुझको अच्छे काम के लिए दिया गया था बुरे काम के लिए तू गया, हाथ तुझको जो मिला था अच्छा काम करने के लिए उससे तूने बुरा किया, आँख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोला, बुराइयों में ही तूने जीवन को बिताया, तो ऐसा तूने क्यों किया। तो देखो परसों किए थे कल भूल गए, और कल किए आज भूल गए, और आज कर रहे हो कल भूल जाओगे, भूलने की आदत बन गई, तो यह सब भूल जाता है, तो भूला हुआ रहता उस समय पर, तो कहता हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, कोई गलती तो हमने किया ही नहीं। लेकिन कहा गया ना कि जिसको तुम नहीं देख पा रहे हो वो तुम्हारा सब काम को देख रहा है, अच्छाई और बुराई जो भी जीवन में करते हो वो सब कुछ देख रहा है, उसके पास टेप जारी है, आवाज टेप हो रही है, और जो कर रहे हो वो सब दिखाई पड़ रहा है, टेप हो रहा है, उसमें दो दूध पैदा होते समय ही कंधों पर बैठा दिए गए वो सब टेप कर रहे हैं, और आखिरी समय में उसी टेप को ले जा करके उसको दे देंगे, अब वो दिखाएगा, कहेगा देखो ये तुमने किया, आज आपसे निवेदन किया जा रहा, आपसे प्रार्थना किया जा रहा, आज आपको समझाया जा रहा है कि भाई मान जाओ, जीवों पर दया करो, रहम करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताया गया, यानी वो मुसलमान किसको कहा गया, मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान, जिसके अंदर मुसल्लम ईमान हो, मुसल्लम रहम हो, यानी मुसल्लम रहमान बन जाओ, यानी रहम दिल बन जाओ, और यानी समझ लो कि इमदाद और मदद और जो है सेवा भाव अपने अंदर ले आओ, सच्चाई का पालन करो,
और इस जिस्म का इस्तेमाल गलत काम में मत करो, बल्कि इबादत के लिए दिया गया तो इबादत करो। ये सब बातें पूजा पाठ के लिए दिया गया तो इससे पूजा करो, सच्ची पूजा सच्ची उपासना करो, यानी कि जिससे वो मालिक खुश होकर के बरकत दे दे, धन पुत्र परिवार में भी बढ़ोतरी हो जाए, संकट जो दुनिया का है ये खत्म हो। ये बातें सब बताई जा रही, समझाई जा रही। लेकिन अगर समझ में नहीं आया और गुनाह पर गुनाह गलती पर गलती अगर करते रहे तो दिखा देगा आखिर में कि देखो ये देखो, ऐसे दिखाएगा जैसे ये फोटो लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, मंच बना हुआ है, ऐसे ही दिखाएगा और इसी आवाज में वो सुनवा देगा, कहेगा देखो इन्होंने तुमको समझाया था बताया था लेकिन तुम नहीं माने और तुमने अपने जीवन का समय समय लोग बर्बाद कर दिया, अब तो तुमको सजा मिलेगी, अब उस सजा से बच नहीं सकते हो। तो यहाँ पर कोई गलती करे मार दे काट दे तो कहता है कोई बात नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत करके चले आएंगे, कोई बात नहीं मार दो काट दो छूट जाएंगे, अच्छा वकील रख लेंगे, जज के पास सिफारिश पहुंचा देंगे, सेटिंग कर लेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन वहां तो न तो कोई वकील मिलता है और न कोई जज इस तरह का वो रहता है कि सिफारिश सुन ले, माफी का वक्त उस समय पर खत्म हो जाता है, वहां कोई माफी भी नहीं होती है। यहां पर अगर जज के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और अंतर का भाव प्रकट हो गया और दया आ गई तो माफ भी कर देता है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से हारा हुआ आदमी भी समय लोग की राष्ट्रपति के पास अपील करके माफी वहाँ से ले लेता है, वो माफ कर देते हैं। लेकिन वो इंसाफ करने वाला वो यमराज फिर माफ किसी को भी नहीं करता है और कहता ले जाओ इनको दोजख में डाल दो, नरकों में डाल दो, इनको काटो सड़ाओ गलाओ तपाओ, बड़ी तकलीफ नरकों में, आंखें फोड़ देते हैं और फिर मार मारते हैं और भगता है, गिरता हाथ पैर टूटता है। आप समझ लो कि वो शरीर ये ऐसा नहीं रहता है लेकिन आदमी जैसा ही शरीर रहता है, जिसको पिशाच का शरीर कहा गया, तो उसी में हाथ पैर टूटता है, ऐसे हाथ पकड़ करके और फेंक देते हैं, इसे हाथ उखड़ जाता है, हाथ तो उनके हाथ में रह जाता है, वो उखड़ करके शरीर उधर चला जाता है, उसके बाद फिर जोड़ देते हैं और फिर हाथ पकड़ करके फिर फेंकते हैं, पैर पकड़ के ऐसे फेंक देते हैं, पैर के ऊपर पैर रख करके और ऐसे ऊपर को खींच देते हैं, हम ये सब फंस जाता है और उसके बाद फिर जोड़ करके फिर ऐसे करते हैं, फिर काटते हैं। अब काटने के बाद उंगली आपकी अलग होगी, इसको काटोगे तो दर्द नहीं होगा और काटने के बाद फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए तो उतने दर्द फिर होगा, तो काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं फिर जोड़ते हैं, सजा भोगने के लिए ही नरकों में भेजा जाता है और बहुत दिन तक नरकों में रहना पड़ता है। कई प्रकार के नरक हैं, अलग अलग नरकों में सजा के अनुसार रहना पड़ता है। जैसे किसी के ऊपर कई तरह के केस जब लग जाते हैं तो एक केस में सजा हुई और दूसरे में भी सजा हो गई और तीसरे में भी सजा हो गई, ऐसे वो सजा बढ़ती जाती है और पूरी जिंदगी जेल में ही बीतता है। ऐसे ही अलग अलग कर्मों की अलग अलग सजा है समझ लो, और उन नरकों में कर्मों के अनुसार डाला जाता है, जलाया जाता है, तपाया जाता है, भूना जाता है, संन्यास का नरक अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, कांटों का अलग, मुर्दों का अलग, उसी में पड़े रहो, सजा भोगते रहो। वहां से जब छुटकारा होता है तब समझ लो कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा डाल दी जाती है, मुर्गा भैंसा के शरीर में यही जीवात्मा डाल दी जाती है। इसको कहते हैं चौरासी। देखो बरसात में पतंगे पैदा हो जाते हैं और तुरंत पैदा हुए एक घंटे के बाद देखो खत्म हो जाते हैं, यह है चौरासी। इसी चौरासी में 86,000 समझ लो कि योनियां हैं, उनमें जाना और मरना
पैदा होना और मरना ये सब के बाद यानी समझ लो कि गाय और बैल की योनि के बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है। कितना दिन तकलीफ झेलने के बाद 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। 9 महीने से कम समय में कोई बच्चा माँ के पेट में बन करके बाहर निकल सकता है? नहीं निकलता है। कम समय में पैदा होने वाला बच्चा जिंदा नहीं रहता है क्योंकि पूरा सिस्टम बन नहीं पाता है। इसलिए किसी को सांस में तकलीफ और किसी को जो है आने समय लोग बुखारी हो गया, किसी कुछ हो गया, बाहर जब आया तो शरीर आने या गर्मी ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो प्राण निकल जाते हैं। इसलिए पूरा समय लगता है 9 महीने माँ के पेट में बनने में और उसके बाद में तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो कहा ना कोट जन्म जब भटका खाया और तब यह नर तंडुर लग पाया। तो यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है यह दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। और मनुष्य शरीर अगर आपको मिल भी गया और कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला, रूह को निजात दिलाने वाला, जीवात्मा के कल्याण करने वाला कोई मुर्शिद कामिल सच्चा गुरु समर्थ गुरु सदगुरु मिला नहीं तो भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया, फिर घूम घूम करके इसी में आना पड़ेगा। इसलिए आपको ये देव दुर्लभ जो शरीर मिला है इसका उपयोग आपको करना चाहिए। यहाँ के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन शरीर के रहते रहते कुछ वहाँ के लिए भी कर लो, क्योंकि शरीर छूटने के बाद न तो भगवान का दर्शन आज तक किसी को हुआ है और न होगा। होगा तो इसी मनुष्य शरीर में होगा। देवी देवताओं का शरीर अलग होता है, 17 तत्वों के लिंग शरीर में वो रहते हैं। पूर्व पर्याय जिनको कहते हो उनका जिस्म अलग होता है, उनके अंदर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे वो अन्य मालिक के पास तक पहुँच सकें। जो सबका मालिक कुल मालिक सतपुरुष जिसको कहा गया सबका सृजनहार जिसके अधीन ये देवी और देवता स्वर्ग और वैकुंठ बहिर्जन्नत ये अन्य जितनी भी चीजें यहाँ इस दुनिया संसार की जिसके अधीन अन्य वो सबका मालिक है, उसके पास जाने का रास्ता उनके शरीर के अंदर नहीं है। इसीलिए तो देवता तरसते हैं और भागते रहते हैं उस मालिक से कि नर समान नहीं कौनो दे ही जीव चराचर जाते ही, या प्रभु या मालिक मुझको आप थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर दे दो कि जिससे हम अपना काम बना लें। अब आप जिस काम को अपना काम कहते हो ये काम आपका नहीं है। आपका काम क्या है कि आप यहाँ संसार में दुनिया में रहो और शरीर के खाने का इंतजाम कर लो, चलाने के लिए गर्मी ठंडी से बचाने के लिए कपड़े का मकान का इंतजाम आप कर लो, लेकिन आप अपना जो असला घर है यानी उस घर जाने की उस घर जाने के लिए भी कुछ काम करो। तो आप जब कोई बताने वाला मिलेगा तभी तो ये संभव होगा। अरे भाई अपने घर जाने का रास्ता, मालिक से मिलने का रास्ता, देवी देवताओं के दर्शन करने का रास्ता, अनहट बेटवाणी गैवी आवाज जिसको कहते खुदाई आवाज को सुनने का रास्ता जब कोई बताने वाला समर्थ गुरु सदगुरु यानी मुर्शिदे कामिल मिलेगा तभी तो यह मुमकिन, तभी तो यह संभव होगा। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि आपके ऊपर यानी उस मालिक की दया कृपा हुई और आप सत्संग सुनने के लिए आप यहाँ पर आए, आपको रास्ता बताया जाएगा। देखो ये हमारे गुरु महाराज, ये फोटो जिनका है वो, ये नहीं फोटो, नहीं फोटो और मूर्ति तो यह तो एक यादगार के लिए लोग बनाते हैं। जब कैमरा नहीं था तो मूर्तियां बना देते थे कि इनको लोग भूल न जाएं। जब मौजूद रहते हैं तब तो जल्दी लोग नहीं समझ पाते हैं। देखो अयोध्या में एक से एक पढ़े लिखे लोग थे, जोशी विद्वान, लेकिन राम का साथ किसी ने दिया, उनको नहीं पहचान पाए। कृष्ण को भी जल्दी लोगों ने नहीं पहचाना, हुजूर मोहम्मद साहब को भी देखो दर बदर ठोकरें खानी पड़ी,
उनको नहीं पहचाना, उनके नहीं माना, लेकिन जब चले जाते हैं तब वही हाय हुसैन हम न हुए। जब चले जाते हैं तो कहते हैं नर राम यानी का लीला करो, इनकी मूर्ति बनाओ, कृष्ण की मूर्ति बनाओ, और ये महापुरुष हैं और इनकी मूर्ति बनाओ, जगह जगह स्थान बन जाते हैं उनके, तो लोग बनाते हैं। जब आने समय लोग कैमरा चल गया तो फोटो लोग खींच करके और लगाने लग गए कि इनको देखेंगे तो वो याद आएंगे और ध्यान लगाएंगे तो ध्यान लगाने में आसानी होगी। अब फोटो जगह जगह लोग लगाने लग गए। तो अगर यह आपकी किसी की सोच बन गई है कि मूर्ति के सामने यानी हम फूल पत्ती चढ़ा देंगे और आने समय लोग कि हम फोटो के सामने प्रसाद चढ़ा देंगे और दीपक जला देंगे, अगरबत्ती जला देंगे और हमारा मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, हमको निजात मिल जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। जब तक आने समय लोग के अंतर में यानी उनका दर्शन नहीं होगा, अंतर में उनके रूप को नहीं देखोगे और अंतर में इस रूप के ऊपर ऊपर दया मेहरबानी नहीं करेंगे, जब तक उनकी मेहर आलोक नहीं होगी, तब तक आने समय लोग की ये जन्मने और मरने की पीड़ा से यानी रूप छुटकारा नहीं पा सकती है। तो गुरु महाराज का हमारी ये फोटो है। गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को रास्ता बताया, कोई भेदभाव संतों के यहाँ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप तो ये देखते हो कि ये महाराष्ट्र के हैं, ये यूपी के हैं, ये पंजाब के हैं, ये कर्नाटक के हैं, ये आंध्रा के हैं, इनका कपड़ा इस तरह का है, इनका रंग रूप ऐसा है, गोरा काला और गेहुआ रंग है, आप तो देखते हो ये ऐसा खाते हैं और इनका नाम इस तरह का है, उससे आप पहचान करते हो। लेकिन संत किसको देखते हैं? पूरे फकीर किसको देखते हैं? रूह को देखते हैं, जीवात्माओं को देखते हैं। तो ये रूहें जितनी भी हैं तो सब उसी मालिक की हैं। तो जिनको इस चीज़ की जानकारी हो जाती है कि रूह एक है और मालिक एक है और जिस्म की बनावट और इस जिस्म के यानी चलाने के लिए खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें यानी बनाई, इसके पालन पोषण के लिए यह धरती आसमान और जमीन या अनाज जितना भी बनाया, दूध घी एवं स्थान जितना भी बनाया, उस मालिक ने बनाया, सब उसी की हैं, तो उनको सबसे प्रेम होता है, सबसे रूहों से ही वो प्रेम करते हैं। तो उनके यहाँ कोई भी आ जाए, गुरु महाराज के पास भी हर तरह के लोग आए, हर जात मजहब के लोग आए, हर तरह के हर पार्टी के नेता आए, यानी हर तरह के अधिकारी कर्मचारी और जज बैरिस्टर आए और हमारे पास भी आते हैं। हम तो सबसे प्रेम करते हैं और सबको सम दृष्टि से, एक समझ लो कि एक दृष्टि से, एक नजर से देखते हैं। तो गुरु महाराज के पास कोई भेदभाव नहीं था, हर तरह के लोग आए और गुरु महाराज ने रास्ता लोगों को बताया। कौन सा रास्ता बताया? दिव्य दृष्टि खोलने का, जो कृष्ण ने आने समय लो कि अर्जुन को बताया था। महाभारत जब शुरू होने को हुआ तो कृष्ण ने कहा कि उठाओ गांडीव, धनुष उठाओ, चलो मैदान में। तो उन्होंने कहा यहाँ सब काका चाचा नाना मामा सब खड़े हो, इनको मार करके मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने कहा इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए और अभी तुम हमको नहीं पहचान पाए, बैठो तुमको पहचान कराता हूँ। बैठाया और कहा बंद करो आँख और अंदर में देखो, दोनों आँखों को एक जगह पर टिकाओ। दोनों आँखों से एक जगह पर जब उन्होंने देखा, जिसको कंसंट्रेशन इंग्लिश में कहते हैं, कंसंट्रेट जब किया, तब उन्होंने कहा अच्छा अब यहाँ ठोकता हूँ, और जैसे ठोका बस वो पर्दा हट गया। कौन सा पर्दा है? जैसे इन बाहरी आँखों के ऊपर यानी पर्दा लग जाता है तो दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तो कहते हो भाई चलो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कहता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, मोतियाबिंद हो गया, जाला पड़ गया, इसको हटा देंगे तो दिखाई पड़ने लगेगा, तो उसको वो हटा देता है। ऐसे ही इन्हीं दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख है, उस पर कर्मों का पर्दा लग जाता है। चोरी किया, व्यभिचार किया, खून किया, कत्ल किया, जानवरों को मारा, पक्षी को मारा,
उनके मांस को खाया, अन्य नशे की नशे का सेवन किया, दूसरे की बहन बहू बेटी के साथ अन्य बुरा कर्म किया और दुनिया का और जो काम किया वो कर्म वो सब वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अब उसकी वजह से उसे दिखाई नहीं पड़ता है, तो कर्म उनके भी इकट्ठा थे। कर्मों से किसी को अन्य छुटकारा नहीं मिलता है। अब यह है कि किसी के कर्म ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और किसी के कम होते हैं, और वही उसी हिसाब से वो पड़ता रहता है। कहते हैं कि मोतियाबिंद अभी पका नहीं है, अभी तो बहुत आसानी से हो जाएगा, वह फौरन से हटा देते हैं। कहते हैं अभी आँख खराब नहीं हुई है, लेंस लगा देता हूँ दिखाई पड़ने लग जाएगा, और किसी किसी का कहते हैं ऑपरेशन तो करना ही करना पड़ेगा। ऐसे ही अन्य आँख के सामने जो कर्मों का पर्दा लगा हुआ था उसको उन्होंने हटा दिया अपनी पावर से, शक्ति से। महापुरुषों के पास, सदगुरु के पास पावर होती है, शक्ति होती है, उस पावर से उसको वो अन्य हटा दिए। तो हटा दिया जब, तब जब खुली दिव्य दृष्टि अंदर की आँख, तो देखा ये तो सब मरे पड़े हुए हैं, हमको तो खाली निमित्त बनना है, निमित्त। तो गांधी उठाया और एक तरफ से तीर छोड़ते चले गए और योद्धा साहब धराशायी हो गए। तो वो है दिव्य दृष्टि जो उन्होंने उनकी खोली थी। गुरु महाराज ने बहुत से लोगों की खोल दिया। जब तक उस दुनिया संसार में रहे, ऊपर का नजारा देखते रहे, और जब समय पूरा हुआ तो चले गए। हमारे साथ में देखो हजारों आदमी चल रहे, यानी कई हजार हैं, और ये सब गाड़ियाँ अपनी, और ये सब 41 दिन के लिए ये लोग निकले हैं। आने समय लोग 41 दिन तक साथ चलेंगे, 8 प्रांतों में जाएंगे, 8 प्रांत का दौरा। आने समय लोग की यहाँ पर, आने समय लोग की यहाँ पर आए हुए हैं, 8 प्रांतों के दौरे के हिसाब से यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब ये ऐसे कोई घर छोड़ करके छोड़ जाएगा, और इनको तो कोई न कोई लाभ मिलता है, तब ये जाते हैं, ऐसे नहीं। तो आप समझ लो उसमें भी साधक हैं। ये देखो ये जगह जो बनी हुई है, यहाँ बैठ कर लोग साधना करते हैं। अभी तो ये सत्संग सुन रहे हैं, रोटी पानी बता रहे हैं खाने खिलाने के लिए, और उसके बाद सब लोग करते हैं जिसको जैसे समय मिलता है। अब आप ये समझो कि उस चीज़ को तो अभी आप नहीं समझोगे कि वो क्या चीज़ है, नहीं लोग नहीं समझोगे, वो जो सुनोगे तो नहीं समझ पाओगे। जब आपको अनुभव होगा, करोगे, तब आप समझ जाओगे। तो गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, और अन्य समय लोग की मंजिल तक पहुंचा भी दिया। अब वो इस दुख के संसार में दोबारा आने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह है दुखों का संसार, यहाँ कोई सुखी है? पैदा हुए कैसे रोना रोना शुरू हो गया, पैदा हुए तब रोए, अब पैदा होते समय रोते क्यों हैं ये भी बता दें। जब 5 महीना 10 दिन का माँ के पेट में बच्चा हो जाता है, रूह जीवात्मा डाली जाती है, तो उस समय मालिक का दर्शन होता है। लेकिन जब यानी बाहर निकलता है माँ के पेट से, है तो माया का पर्दा पड़ जाता है, तो दर्शन होना बंद हो जाता है, तब रोता है कहाँ पहुँच गए। तो पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पढ़ लिख लिए नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तो रो रहे, और शादी हो गई तो रोज रोते हैं, बच्चा नहीं है तो रो रहे, और कई बच्चे हो जाते हैं तो रोते रहते हैं। अब आपको कि बच्चा आपका पैदा हो जाएगा नहीं है, चलो मजार पर चढ़ा चढ़ा दो, चलो गया में पिंडदान कर आओ, वसुरो देवी में चुनी चढ़ाओ, तो चला जाता है। कह दो कि काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, तो जीव हत्या भी कर देता है स्वार्थ में कि मेरे लड़का पैदा हो जाए। अब वो जो अनबोलता देवता हैं, कुछ भी कहो कुछ भी न सुने, कुछ भी करो कुछ भी न देखें, कुछ भी करके जाओ उनके सामने, कोई भी सजा न दे पाऊँ, कुछ समझा भी न पाऊँ, उन्हीं के पास लोग भेजते हैं। अब दुर्गा जी काली जी अगर तलवार लहराने लग जाए कि तुम मेरे सामने बकरा काटने नहीं आओगे, मुर्गा भैंसा काटने नहीं आओगे, तो जल्दी कोई जाएगा। अभी ये मूर्तियाँ बोलने लग जाए कि तुम शराब पी के व्यभिचार करके खून कत्ल करके गलत काम करके मेरे सामने नहीं आओगे, तो भी बहुत से लोग मंदिरों में जाना बंद कर देंगे। वो तो ऐसे ही खोजते हैं, और ऐसे ही गुरु खोजते हैं
है कि जो बुराइयों को न छुड़ावें। अरे कुछ भी करो कोई बात नहीं है, वो तो समझा देते, तुम्हारे लिए बाईपास रास्ता निकाल दूंगा, तुम सब खाते पीते रहो कोई बात नहीं है, तुमको शंकर जी का मंत्र हम दे देंगे। यानी शंकर जी को बदनाम कर दिया लोगों ने, यानी गजेड़ियों ने गांजा की चिलम भर भर करके बम बम बोल करके और शंकर जी को बदनाम कर दिया। अरे शंकर जी भी गांजा पीते थे, शंकर जी की यह बूटी है, अरे ये गांजा वो पियेंगे, वो नशा यानी जो भजन का नशा होता है यानी जो नाम का नशा होता है वो नशा उनके अंदर रहता था, उसमें वो मस्त रहते थे। कहा जो अलग से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का, कहते भांग बकूरी सुरा पान उतर जाए पर भात और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो मस्ती ऊपरी लोगों की वही उनको मिलती थी, उसमें वो मस्त रहते थे, लेकिन जिन्होंने शंकर जी को देखा भी नहीं वो कहते हैं कि गांजा पीते थे, भांग खाते थे, नशे का सेवन करते थे। तो ऐसे ही को ही लोग खोजते हैं। तो अब आप ये समझो कि मुर्गा भी काट देते, भैंसा भी काट देते, सब कुछ कर देते हैं, जीव हत्या कर देते हैं, अन्य रहम दया खत्म कर देते हैं, रहमान से दूर हो जाते हैं। लेकिन जिनके चार लड़के हैं, कहो राधा जी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके चार चार बहुएं और चार चार लड़के खूब सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, अब मैं तो अधर में लटका हुआ हूँ, न जी पा रहा हूँ न मर पा रहा हूँ। और जब कहो अरे दादाजी आपने तो पढ़ाया लिखाया, अरे गाय भी बेच के पढ़ाया, भैंस भी बेच दिया, और आप फटा कपड़ा भी पहने, और गरीबी में आए समय लोग एक टाइम सब्जी खा करके दाल खा करके आपने लड़के को पढ़ाया, और लड़का पढ़ लिख करके आया, कमाने वाला बहू पढ़ी लिखी अपने घर में लेकर के आया, तो आपकी तो सेवा करता होगा, आपको बढ़िया बढ़िया बहू आनी बना करके खिलाती होगी। तो फिर क्यों ऐसा कहते हो कि हम मर जाते तो ठीक था, देखते नहीं इनका मुंह। तब कहता है भैया थोड़ा तरीका यानी पढ़ाई लिखाई सब इसकी ले गई, आने समझ लो कि जो इसके अंदर आने समझ लो कि अच्छाइयाँ थी वो भी आने समझ लो घर छोड़ने के बाद पढ़ाई लिखाई करने के लिए नौकरी के लिए बाहर जाने के बाद यानी वो चीज खत्म हो गई। तो पूछता है भाई आखिर क्या थी और क्या चीज चली गई। सब बदलाता है कि सुबह उठता था जल्दी और बिस्तर छोड़ते समय गीता के श्लोक रामायण की चौपाई कुरान की आयत यानी पढ़ता था, और अब 9 बजे 10 बजे उठता है और फिल्मी गाना गाते हुए खड़े खड़े टट्टी खड़े खड़े पेशाब करता है, यानी सब तौर तरीका इसका बदल गया। यानी भैया बुढ़ा कहता है भैया फटा पैंट पहनता है फटा पैंट। तो एक दिन हमने कहा कि तेरे पास पैसा नहीं है, तू नया पैंट क्यों नहीं पहनता है, नया बनवा लेता है। तब बोला बड़े आदमी लोग पहनते हैं, अब आजकल फैशन है, बाज आए ऐसे फैशन से, जैसे जैसे पैसा होता गया वैसे वैसे कपड़ा छोटा होता गया, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो नंगा होता चला गया। भैया क्या करें, अरे बढ़िया बढ़िया खिलाती होगी बहू, सब सीख करके आई है पढ़ करके आई है, बढ़िया बढ़िया खिलाती होगी। अरे क्या बढ़िया खिलाती है, बनाती रहती है उसी हाथ से खाती रहती है। तो तुम्हारी चाची ने एक दिन पूछा कि तू खाती रहती है और बनाती रहती है ऐसा क्यों करती है। तब उसने कहा कि चख चख करके बनाते हैं, तो बनाना तो उसकी माँ ने सिखाया ही नहीं, पढ़ाई लिखाई कराया और रोटी बना बना करके खिलाती रही, रोटी बनाना सिखाया ही नहीं, चौका लगाना बर्तन धोना आने पोछा लगाना सिखाया ही नहीं, कपड़ा धोना सिखाया नहीं, तो क्या वो आने सेवा कर पाएगी। बुढ़ा ये कहता है
घर घर में झगड़ा है, घर घर में। कोई ये कहो कि हमारे यहाँ बहुत दिनों झगड़ा नहीं हुआ तो सबसे बड़ा झूठ यही माना जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके यहाँ रोज झगड़ा होता है, और आप पुनः विश्वास हो तो मैं बता दूंगा, इसी में कई लोग ऐसे बैठे जिनके यहाँ रोज झगड़ा होता है, कुछ कुछ लगा ही रहता है, सास बहू लड़ती रहती, भाई भाई लड़ते रहते हैं, और अगर बुढ़े और जवान नहीं लड़ते तो लड़के ही लड़ते रहते हैं, वही मारकाट करते रहते हैं, और बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही, क्योंकि खान पान सीखा नहीं कैसा होना चाहिए। ये मशीन जो बनाई गई, मनुष्य शरीर जो ये बनाया गया शाकाहारी भोजन के लिए बनाया गया, मांस जो देर में पकने वाला उसको जब इसके अंदर डालते हैं तो खून बेमेल हो जाता है, उसका बना हुआ खून यानी बेमेल हो जाता है, तो बीमारियां साथ नहीं छोड़ती हैं। कितना भी दवा खाते जाते हैं, इलाज करते जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, एक ठीक होता है दूसरा लग जाता है, यानी आप समझ लो कि संयम नियम यानी खत्म हो गया। कहते हैं ना कि आदमी से तो जानवर संयम नियम का पालन करता है। कोई आदमी खा पी करके आया और उसके सामने ला के प्लेट में रसगुल्ला रख दो और कह दो एक खा लीजिए ले लीजिए, तो कहेगा नहीं तो खा के आए पेट भरा हुआ है, अरे ले लीजिए, मिठाई तो खाने के बाद खाई ही जाती, बस एक खाएगा और बात करते रहो उसके तरफ देखो नहीं, नज़र अलग रखो, देखोगे तो शर्मा जाएगा, नज़र अलग रखो तो दूसरा फिर खाएगा, तीसरा फिर खाएगा, थोड़ी देर में पूरी प्लेट साफ कर जाएगा, ये नहीं देखेगा कि अंदर जगह है कि नहीं है। लेकिन कुत्ता खाया है पेट भरा हुआ है, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो तो सूंघ करके उठा करके ले जाता है, दबा के रख देता है, जब भूख लगती है तब खाता है, भूख नहीं है तो नहीं खाता है। आप देखो 12 महीना में एक महीना ऐसा आता है कि जब वो पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है, तो संयम नियम अन्य लोगों का खत्म हो गया तो शांति कहाँ से रही, ये दुखों का संसार बन गया। लेकिन जो इस दुख के संसार से निकल गए उनको फिर वापस अभी सर नहीं आना है। देखो छोटा बन जाओ तो भी सब प्यार करने लगे, कोई कितना आकर के चलता हो और उसका पैर छू लो तो रुकोगे तो उठाएगा, पैर ऐसे पकड़े रहो थोड़ी देर तक तो कहेगा अरे छोड़ो 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 छोड़ो, लेकिन नहीं छोड़ोगे तो छुप के उठाएगा। कहते ना बुद्धों को लोग घर से बाहर निकाल दे रहे, और बुद्धों को बहुत जानकारी होती है, हर तरह की जानकारी होती है। गांव का एक आदमी बैठा हुआ था बुद्धा और अपना सत्संग बातचीत करने लगा, उस समय पर हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तो खाने पीने मौज मस्ती की उम्र है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता है, वादा तो अच्छे काम के लिए करना ही नहीं चाहिए, तो बुढ़ापे में हाथ पैर आँख कान सब ढीले पड़ जाते हैं, बोलना नहीं पसंद, चलना फिरना नहीं पसंद आता। तो वो पहुँचा, उसने छेड़ दिया, तो छेड़ने के बाद अन्य समझ लो कि जैसे मधुमक्खी को छेड़ दो तो मधुमक्खी एकदम से फैलती है, जो ही मिलता है उसी को काटने लगती है, ऐसे ही अगर छेड़ दो किसी को तो बहुत तेज वो बोलने लगता है और सब बात सब कहने लग जाता है, मन की बात छेड़ दिया। तो काम नहीं डरते हैं किसी से, नहीं डरते हैं, अरे कैसे नहीं डरते हो, वो बाबू साहब भैया साहब वो बड़े आदमी उनके पास बंदूक है, अरे तुमको शूट कर देंगे गोली मार देंगे। बुद्धे ने कहा उनके पास 2 नली की है और हमारे पास 10 नली की है, 10 नली की। काका 10 नली की बंदूक कैसी होती है, न देखा न सुना, 10 नली की कैसी होती है बताओ तो। अरे है होती है, हमेशा साथ रखता हूँ। काका खाली बनियान पहने बैठे हो और तो कहीं जेब भी नहीं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, बंदूक कहाँ रखे हो, 24 घंटा साथ रखता हूँ। अरे बता दो काका, पैर वैर दबाने लगा, तब कहा अच्छा देख ये 1 नली ये, और ये 2 नली, और ये 3 नली, और ये 4 नली, और ये 5 नली, 5 नली ये
और पांच नली ये है, दसों नली जब ऐसे दिखाता हूँ ऐसे, तो जिसको दिखाता हूँ वही सिर झुका देता है। तो कहा ना लघुता से प्रभुता मिले, और प्रभुता से प्रभु दूर, और चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक दूर। आप नीचे बैठे हो जमीन में तो आपके नीचे घास उगी होगी, कहीं कहीं उगती कहीं नहीं उगती, तो वो जो नीचे जमीन में चलने वाली का घास होती है उसको डूब घास कहते हैं। ये ऐसे की ऐसी रहती है, बारहों महीने ऐसी रहती है, मई जून के महीने में भी ऐसी रहती है, और यानी आप समझ लो जुलाई अगस्त के महीने बरसात में भी ऐसी रहती है। लेकिन बड़ी घास जो होती हैं वो मई जून के महीने में जल जाती हैं। तो कहा ना नानक नन्हे हो रहो, जैसे घास में धूप, और घास जल जाएंगी और धूप खूब की खूब। कहा कम खाओ और गम खाओ, कम खाओगे तो रोग नहीं होगा, बढ़िया से पच जाएगा। इंजन के ऊपर लोड जब ज़्यादा पड़ता है तो देखो गाड़ी के तो गाड़ी रुक जाती है, ऐसे इस पर लोड पड़ जाता है तो इसमें भी बीमारी पैदा कर देती है शरीर के अंदर, यह मशीन पेट जो है। अब कम खाओगे आराम से आ जाए मुझे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और गम खाओगे बर्दाश्त कर लोगे तो मर मुकदमाबाजी से छुटकारा रहेगा, थाना पुलिस से छुटकारा रहेगा, आराम से अपना जिंदगी बिताओगे। अब और तरीका आपको बताता हूँ, एक को गुस्सा आवे तो दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। सास को गुस्सा आवे बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, पिता को गुस्सा आवे पुत्र चुप हो जाए, पुत्र को गुस्सा आवे पिता चुप हो जाए, दोनों में से एक अगर चुप हो जाए तो समझ लो कि झगड़ा टल जाएगा। लेकिन तू डाल डाल तो मैं पात पात, तो दस दिन भी नहीं बीतता है और तलाक का मुकदमा चालू हो जाता है। शादी का दस दिन भी नहीं बीता और तलाक का मुकदमा चालू हो जाता है। क्या कारण है? यही कारण है कि छोटा बनना नहीं पसंद करते। दूसरा चीज क्या है कि इस समय पर शंका बहुत हो रही लोगों को, शंका नहीं करना चाहिए, शंका नाश करता है। जहाँ कहीं भी शंका होती है वहीं पर नाश होता है, नुकसान होता है। मान लो कोई औरत किसी आदमी से अपना भाई मान करके ही अन्य समझ लो की बात कर रही है, और पुरुष ने देख लिया, उसके आदमी ने देख लिया, हर पति ने देख लिया, तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में नुस्ख निकालेगा। नमक भर दिया दाल में, सब्जी में मिर्ची भर के पेट खराब कर डालेगी, ये कच्ची कच्ची रोटी खिला के मार डालेगी, ये सफाई नहीं किया, चादर नहीं धोया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, 50 नुस्ख निकालेगी। शंका हो गई। अब औरत भी अगर कुछ बोल देगी तो पहले तो जबान की लड़ाई होगी, और उसके बाद हाथ पैर घूसी घूसा की लड़ाई होने लगेगी, और फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाएगी। शंका ही तो हो गई, शंका का समाधान कर लेना चाहिए। अब मान लो अगर कोई पुरुष अपना बहन मान करके ही किसी औरत से बात कर रहा है, और धीरे से औरत ने देख लिया तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन दिन भर में 4-6 बर्तन पटक करके गुस्से में पिचका डालेगी, नहीं कुछ होगा तो अपना ही सिर नोच डालेगी क्रोध में गुस्से में। तो शंका ही तो हो गई, शंका का समाधान कर लेना चाहिए, शंका नहीं करना चाहिए। तो अब आप देखो, आपका ज़्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता हूँ, अब आपको असली चीज दूंगा, अनमोल चीज दूंगा, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो चीज़ आपको दूंगा। ऐसा नाम आपको बताऊंगा कि जो आपका लोक भी बनाएगा और परलोक भी बनाएगा। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हैं अच्छा भोजन खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, पत्नी पते पड़ता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। तो लोक बनाना इसको कहते हैं, और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृतलोक है, इसका नाम मृतलोक ही है। यहाँ जो पैदा होता है मरता है, यहाँ जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, यह है
लोक आप जिसमें रहते हो कहते हो मेरा लोक है, मृत्यु लोक है, लेकिन इसके ऊपर भी जो लोक हैं, स्वर्ग वैकुंठ, जन्नत बहिष्ट जिसको कहा गया, और ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, आने समझ लो जो उधर का भी सैर करा देता है, उधर जो सैर करने लग जाता तो वो परलोक अनिगामी होता है, परलोक आना जाना हो जाता है। ऐसा आपको बताऊंगा, वो नाम बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग केवल नाम अधारा, सुमे सुमे नर उतने पारा। अनि मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। वो ध्वन्यात्मक नाम आपको बताऊंगा। देखो नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। जब जब महापुरुष आते हैं तो वे एक नाम को जगाते हैं। त्रेता में राम नाम को राम ने जगाया, द्वापर में कृष्ण नाम को जगाया, और इसके अलावा भी यानी जो भी कुछ जिस तरह की ताकत वाले लोग आए, कोई न कोई नाम से उसको पुकारे और उस नाम को लोगों ने याद किया लिया, उससे लोगों को फायदा हुआ। तो त्रेता और द्वापर के पहले गुरु नाम था, गुरु नाम में पूरी शक्ति थी, गुरु नाम से उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगा लिया। उसके पहले, गुरु के पहले उन्होंने जय लगाया जा माने जय मान या माने जो, जो हमेशा रहता है। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु इस धरती पर हमेशा रहते हैं। गुरु के बगैर एक कदम भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। और देव माने देने वाला, जो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते हैं वो देते ही हैं, सब कुछ देते हैं, चार पदार्थ कर्तृत्वता के वो देने वाले होते हैं। इसलिए यानी उन्होंने गुरु और जय, यानी गुरु के आगे देव और उससे पहले जय लगाया, जय गुरु देव। यह है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम जो मुंह से लिया जाता है, तो जिस तरह से पहले के नाम में शक्ति थी, उसी तरह से इस जय गुरुदेव नाम में भी शक्ति हमारे गुरु महाराज ने भर दिया था। तो वो तो अब चले गए इस दुनिया संसार से, निज धामवासी हो गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अभी ताकत शक्ति है। जब मौजूद थे तो लोगों ने खूब परीक्षा लिया, जंगल में जा रहे और जानवर से सामने आ रहा है, अब कह जान नहीं बच रही है, बस जय गुरुदेव बोले, अजय से जय गुरुदेव बोले। देखा एक आदमी उठा से लक्ष लिए हुए चला आ रहा है, आवाज लगाता हुआ तेज आवाज में, ओ घबराना मत, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। खबर जानवर आवाज सुन करके और भाग गया, जान बच गई। रास्ते में जा रहे मधुमक्खियां छेदने लगी, तो मधुमक्खियां जब काटने लगती हैं तब आने बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो छुड़ाने वाले को ही लग जाती हैं और उनके कांटे आने अंदर बदन में चूहते जाते हैं और दूसरे कांटे फिर जमते जाते हैं। चार मक्खी अगर किसी को लग जाए तो जान ले लेती हैं, है तो सब भाग जाते हैं छोड़ करके। तो जब कोई सहारा नहीं रहा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा चली और ऐसे घूमी हवा, जैसे अभी सामने उधर घूम रही थी हवा, ऐसे घूमी तो उसमें क्या होने लगता है, उसमें धूल उड़ने लगती है। पर धूल उड़ी और मधुमक्खियों की आंखों में पड़ी, मधुमक्खियां छोड़ करके चली। धूल से और धुएं से मधुमक्खी हट जाती हैं। कहीं भी पड़ जाओ आप तो वहीं धूल से उड़ाने लग जाओ तो मधुमक्खियाँ हट जाएंगी। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है, जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा आई और पानी के हिलोर के साथ खुद को ले जा करके यानी किनारे लगा दिया, जान बच गई। मरने वाले के शरीर में जब पीड़ा हुई, हड्डी हड्डी चटका, आँख की रोशनी खत्म हुई, कान जब बहरा हुआ, जबान टुटली हुई और रोया चिल्लाया, काका चाचा दादा नाना मर सबको पुकारा, कोई भी मददगार उस वक्त पर नहीं, डॉक्टर खड़े और परिवार के लोग खड़े, कोई भी कोई मदद कोई दवा किसी का कोई जोर नहीं चल रहा। तो कान में 10 बार बोला जय गुरुदेव, बस उसने यानी आँख खोल दिया और पीड़ा बोला खत्म। और जो मलकुन मौत यमराज के दूध तकलीफ दे रहे थे, मार काट रहे थे, हट गए। खूब परीक्षा लिया लोगों ने, खूब इम्तहान लिया, आप भी ले सकते हो। कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति
आने समय लो मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा उसकी मदद होगी। तो यह तो है वर्णात्मक नाम। और ध्वन्यात्मक नाम क्या है? उसी ध्वन्यात्मक नाम से ही सारा संसार बना, अंड पिंड ब्रह्मांड देवी देवता बने। वो नाम आपको बताऊंगा, ध्वन्यात्मक नाम। अब आप ये समझो कि नाम आपको बताऊंगा और सत्संग भी आपको सुना रहा हूँ, लौकिक पारलौकिक बात की जानकारी करा रहा हूँ। तो आप कहो भाई अब ये सत्संग सुनाएंगे और उसके बाद नाम दान देंगे और फिर ये मांगेंगे। तो मंगता से कहीं कोई कुछ मांगता है? अरे भिखारी से कोई कुछ मांगता है? तो दाता कहा गया ना, दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया, सभी तो मांग ही रहे हैं। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, और करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर भगवान का खजाना हमें को मिल जाए। तो सभी तो मांग ही रहे, तो मंगता से कौन मांगे? कहा धरणी जान लो देखिए, धरती पर जहां तक नजर दौड़ो सब मांग रहे हैं। धरणी जान लो देखिए, तहन लो सबय भिखार, और दाता के वो सदगुरु देत न माने हर, देने वाले हमारे गुरु महाराज देते हैं। कहा जिस चीज की जरूरत है वो चीज मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही। और गुलाम की कहीं कोई ख्वाहिश होती है? गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती। गुलाम को उसका मालिक जिस तरह से रखता है रहता है, जो खिलाता है खाता है, और जो पहनता है पहनता है, जैसा रखता है वैसे रहता है, वो उसी के राजी में राजी अपनी बनाए रखता है। तो जब मैं गुरु का गुलाम हो गया तो क्या उनसे ख्वाहिश करूं, क्या मांगू? लेकिन एक बात आपको आज बता देता हूं, आप यहां पर आए हो, आप कैसे भी आए हो, लेकिन आप मिल रहे हो, आपको देख रहा हूं, आपका चेहरा मोरा और कपड़े को पद पोस्ट को नहीं देख रहा हूं, वो तो एक अलग चीज है। आपकी रूहों को, आपकी जीवात्माओं को देख रहा हूं कि सबके अंदर उसी मालिक की रूह है। तो आपसे मोहब्बत हो जा रही, क्योंकि उस मालिक से मोहब्बत है, प्रेम है। अब आपके अंदर जो रूह है इस जिस्म के लिए, इस शरीर के लिए अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो वो गुरु महाराज से मांग लूंगा, उसको मांग लूंगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। लेकिन कहो भाई उज्जैन मध्य प्रदेश से चल करके आए, इतने आदमी साथ में लेकर चल रहे हैं और ये हमारे यहाँ पर आए हैं, तो इनको कुछ देना चाहिए। दीक्षा मंत्र लिया जाता है तो कुछ न कुछ दक्षिणा दिया जाता है, तो आज आप दे सकते हो। तो देना क्या है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना, गुनाहगार मत बनना। जो भी गुनाह आपने किया, जो भी गलती किया, उसके लिए आप तौबा कर लो, कान पकड़ लो, उस मालिक से माफी मांग लो कि जान में या अनजान में जो भी गलती बन गई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, माफी चाहते हैं, अब गलती नहीं करेंगे। तो देखो किसी भी जानवर को मत सताना, रूहों पर रहम करना, और उनके मांस को मत खाना, किसी भी पशु पक्षी के मांस को मत खाना। नहीं तो कितना भी पूजा करोगे, कितनी भी इबादत आप करोगे तो वो कबूल नहीं होगी, क्योंकि यह जो इबादत गाह है यानी इबादत की जो जगह मंदिर है यही गंदा है। तो मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो, हाउस में ले जाओ गंदी चीज कोई डाल दो तो कोई पूजा करता है, इबादत करता है वहाँ, कोई ग्रंथ का पाठ करता है गुरुद्वारा में, ऐसे यही गंदा है। तो ख्वाहिशों की इबादत वो बन जाती है जब जिस्म गंदा हो जाता है, मस्जिद गंदी हो जाती है, जब ये मानव मंदिर गंदा हो जाता है तो अन्य रूहानी इबादत नहीं हो पाती है, ख्वाहिशों की इबादत बन जाती है। तो फिर मालिक ख्वाहिशों की इबादत से खुश नहीं होता है, समय बेकार चला जाता है, इसलिए इसको गंदा मत करना, मांस मत खाना। देखो जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, खाता है और खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है, तो पाप से बचना अब घर में नहीं आना चाहिए। देखो मछली
तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खाएगी, आप संडास के बाद धोने के लिए जाओ टुकड़े गिरेंगे मछली खाएगी, खखार के ठोक दो मछली खाएगी, कोई गाय बैल भैंस सुअर बकरा कोई भी मुर्गा मुर्गी कोई भी बह करके नदी तालाब में आ जाए तो मछली उसको खाएगी, कितनी गंदी चीज है। जब मर जाती है तो गीड़ और कौवा खाते, ये उसका खाना है, अब नहीं। अंडा क्या है ये भी बता दूं, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो उसका बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। अब डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये डॉक्टर और वैज्ञानिक जो अंडा खाते और खिलाते हैं ये सब अज्ञानी हैं, इनको कोई ज्ञान इनको कोई जानकारी नहीं। अरे वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे, उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। अब इन वैज्ञानिकों से पूछो कि आपने कोई ऐसा हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बनाया कि जो बगैर पेट्रोल के चले और पहाड़ उठा करके ले आवे, तो ये चुप हो जाएंगे, ये नहीं बना सकते। जब यानी हमारे ऋषि मुनि और फकीरों के इल्म को इन्होंने पकड़ा और उस पर रिसर्च किया तब ये वैज्ञानिक कहलाए, और नहीं तो ये आनी रोमेलो के जो हीरो बने घूम रहे हैं ये जीरो के जीरो ही रहते। तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे न तो अंडा खाना और न बच्चों को खिलाना, और बच्चों को तो यही समझा दो कि बेटा घर से बाहर निकलो तो बाजार की कोई चीज खाओ ही नहीं, क्योंकि इस वक्त पर दीन और ईमान आदमी ने पैसे के लिए बेच दिया, मिलावटी चीजों को बाजार में उतार दिया, और वो चीजें खाने में देखने में तो अच्छी चटपटी तो लगती हैं लेकिन किडनी खाए जा रही हैं, लीवर खत्म कर दे रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को हार्निया हाइड्रोसील हो रहा है, बकंदर और बवासीर हो रहा है, नासूर हो रहा है, तो उसका क्या कारण है कि ये हर चीज खाने वाली बाजार की नहीं रहती, तो देख करके समझ करके खाना पीना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना जरूरी होता है, और नहीं तो आपकी मेहनत सब बर्बाद कर देंगे। गलत बच्चों के साथ में अगर पड़ जाएंगे तो जितना धन संपत्ति है और सम्मान इज्जत है वो सब मिट्टी में मिला देंगे, और इस वक्त पर तो समाज में एक ऐसा भी वर्ग है जो बच्चों को ही खराब करने में लगा हुआ है। देख लेते हैं किसके पास पैसा है और प्रतिष्ठित आदमी है, उनके बच्चों को बस खराब आदतें डाल देते हैं और मजबूरी में उनके साथ जुड़े रहते हैं, और बस वो अन्य बर्बादी के लक्षण बन जाते हैं, बर्बादी का कारण बन जाते हैं। इसलिए कम से कम थोड़ा समय सुबह शाम बच्चों पर दे दो, पता तो करो स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, लौट करके आवे पूछो तो क्या पढ़ा क्या पढ़ाया, अरे घर पर क्या पढ़ने के लिए बताया, होमवर्क क्या दिया, उसको करा दो, कुछ तो थोड़ा बहुत ध्यान रखो, जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो अंडा न तो खाना और न बच्चों को खिलाना, और देखो शराब में है 1000 बुराई, जो शराब पीता है मांस खाता व्यभिचार करता खून कत्ल करता बाल बच्चों को मारता जमीन जायदाद को बेचता क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। मुसलमान भाइयों की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए, और हिंदुओं क्या लिखा है पियो, लिखा है गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। शराब अगर देश में बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा, ये अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। इसलिए तो राजस्थान में कहते हैं ना कावट कहते हैं, बांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। देखो कुदरत ने बहुत सी चीजें ऐसी बनाई हैं आदमी के लिए जो बहुत ताकतवर हैं लेकिन देर में हजम होती हैं, तो उसको हजम करने के लिए दूसरी चीज बना दिया, जैसे केला है बहुत फायदा करता है लेकिन देर में हजम होता है, तो काई इलायची का दाना खा लो जल्दी हजम हो जाए। मूली, मूली पेट में पड़ी हुई चीज को हजम करती है
लेकिन खुद जल्दी हजम नहीं होती, उसका पत्रा खाना जरूरी होता है। पत्रा खाओगे तो मूरी हजम हो जाएगी। जैसे ये अमरूद है, अमरूद का बीज बहुत फायदा करता है, बीज कभी निकालना ही नहीं चाहिए। और नींबू का बीज बहुत नुकसान करता है, वो तो जहर का काम करता है एक तरह से, उसका बीज निकाल करके ही रस यानी समझ लो का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यह भी है कि मूली को अगर सुबह इस्तेमाल किया जाए तो सुबह मूली मूल है, और दोपहर मूली मूली, और शाम को मूली शूली। जैसे सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा, और शाम को खीरा पीरा, कहते ना जिस दिनांतरे पीवे तो दुग्धम, निशांतरे पीवे तो बारी, भोजनांतरे पीवे तो तक्रम, त्रिय स्वास्थ्य वर्धकम। कहते हैं रात को खाना खाने के बाद थोड़ा सा दूध पी लो तो बढ़िया से भोजन यानी समझ लो कि हजम हो जाएगा सोने से पहले अगर पी लो, और सुबह उठो तो शाम का रखा हुआ पानी पियो, और शौच के लिए यानी समझ लो कि थोड़ा दूर चले जाओ। पहले तो यानी समझ लो कि लोग दूर जाते ही थे दूर, अब सब बदल गया, अब लोग शौचालय घर में बन गए तो चलना फिरना जल्दी हो नहीं पाता, कमरे से ही अटैच रहता है, बस उस कमरे से उठे उसमें चले गए। अब आप समझो कि चलना फिरना हो ही नहीं पाता, मेहनत हो ही नहीं पाता, पसीना बहाना बहुत जरूरी होता है। आप तो बंगले से निकले, एसी से निकले, एसी गाड़ी में बैठे और एसी दफ्तर में गए, वहाँ काम किए, अभी ये एसी जो है वो सब एसी तैसी का दे रही है। पसीना तो निकलना चाहिए, थोड़ा मेहनत तो होनी चाहिए, घूमना तो चाहिए। डॉक्टर भी कहते कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलो तब ये शुगर कंट्रोल होगा, और नहीं इंसुलिन से भी नहीं जाता है जल्दी, इंसुलिन सुई होती है शुगर को कंट्रोल करने की। तो अब आप ये समझो कि सब नियम बदल गए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और शौच के लिए बाहर जाता था, अब शौच घर में करते हैं, खाने के लिए होटल में जाते हैं बाहर, नियम बदल गया। लेकिन अब जो नियम बन गया, जो जिस तरह का समय है उसी तरह से अपने को सेट कर लेना चाहिए। तो कहा गया सुबह पानी पियो और थोड़ी देर घूम दो, तो वो अंडर अम्बर को यानी पानी अपने में मिला करके वो बाहर आराम से निकाल देगा। और चक्र किसको कहते हैं, चक्र यानी आने समय लोग कि चक्र जो होता है उसको कहते हैं मठा, छाछ जो होता है। कहा कि इंद्र दुर्लभम चक्रस इंद्र दुर्लभम, अने सक्रसि, सक्रसि किसको कहते हैं, इंद्र को कहते हैं। तो कहते हैं इंद्र को दुर्लभ है ये, क्या ये छाछ बहुत फायदा करता है। दोपहर भोजन के बाद थोड़ा सा पी लो, दोपहर के बाद, शाम को नहीं, नुकसान करता है। तो अब ये सब चीज़ें किसने बनाई, ये सब बुजुर्गों ने बनाई, महात्माओं ने ऋषियों ने बनाई। तो बुजुर्गों ने उधर एक कहावत बना रखा है, अनुभव के आधार पर बनाया सब। तो राजस्थान में कहते कोई भांग खा के आ गया तो थोड़ा सा भुना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा, और कोई गांजा पी के आ गया तो यानी उसको थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा, और अगर कोई शराब पी के आ गया तब तो कहा तब तो कुछ खोजना ही नहीं है। जूता उतारो पैर में से, जोता अजर्ग वह शराब का नशा उतर जाएगा। तो कहा ना कि भांग मांगा धूंगड़ा, और गांजा मांगा घी, और दारू मांगा खोसड़ा। आज इतनी इच्छा हो चाहे जितना पी लो लेकिन खोसड़ा पड़ेगा तो उतर जाएगा खोसड़ा। तो आपसे यही प्रार्थना है कि खोसड़ा पड़ने की नौबत क्यों आवे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि खोसड़ा मारो, लेकिन आप ये समझ लो कि ये आज लोगों को मालूम हो गया कि ये उतरती कैसे है शराब, और इन्होंने उतारने के लिए अगर जड़ दिया पी करके आओगे घर में तो कितना भी कहोगे कि तू मेरी घरवाली, मैं तेरा पति परमेश्वर, और तूने मुझको खुशड़ा मारा, तो ये तो पैर छूनेंगे, कहेंगे आपको नहीं मारा, हमने तो उसको मारा जो उतर गया, तब क्या करोगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है, बिनती है, मिन्नत है, आरजू है कि आप शराब पीना अब आज से छोड़ दो, बंद कर दो, और शराबी का साथ छोड़ देना, नहीं तो साथ का बड़ा असर होता है। देखो मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। तो गलत का साथ करोगे तो बुराई नहीं छूटेगी, अच्छे का साथ कर लोगे बुराई छूट जाएगी, अच्छाई आपके अंदर आ जाएगी। देखो अंगुलमाल और आदमी जैसे डाकू जब सुधर गए रात बन गए तो आपकी शराब नहीं छूटेगी, संकल्प आपको बनाने की जरूरत है, छूट जाएगी। बहुत से लोगों की छूट गई,
बहुत से लोगों को गुरु महाराज ने समझाया छुड़वा दिया, मैंने समझाया मेरे कहने पर लोगों ने छोड़ दिया, मांस भी छोड़ दिया, मांस की दुकान अंडे का ट्रे से फेंक दिया और होटल बंद कर दिया मांसाहारी, अब बता रहे हैं अच्छा धंधा हो रहा है, दूसरा काम कर लिया कह रहे इसमें ज्यादा बरकत हो रही है, जीव हत्या में उतनी बरकत नहीं होती थी। तो तरीका होता है, मेरे पास तो ऐसा तरीका है कि मैं बता दूं, एक कमाए और दस खाए, वो तरीका है। पहले ऐसा था एक कमाता था दस खाते थे, अब दसों कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है, क्योंकि नियत खराब हो गई तो उसने बरकत बंद कर दिया। तो आप शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, आपको नामदान दूंगा। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है ये चेहरा, और आपकी आवाज, आप मुझसे जो बोलते हो आवाज निकलती है, ऐसे ही इस वक्त के पांच धनी है। बताना मत किसी को, अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, टेप करके सुना दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और ये नाराज हो जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए बताना मत किसी को। दूसरी चीज आप और समझो कि जब आप आंख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक पितृलोक सूर्यचंद्र लोकों में जाओगे और वहाँ का नजारा देखोगे तो खुश हो जाओगे। कहा ना कि घट में घर निकलाए दे श्री सदगुर परम सुधा, क्या कहा फकीर ने कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जीरेंद्रों से पूछो दिल के आशियाने में। कहा ना कि जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जान सके सो जान, कस्तूरी कुंडल बसे मेरे ढूंढ है बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। तो जब उस देखोगे उसको ऊपर का जब देखोगे तो खुश हो जाओगे, और खुश हो करके अन्य दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगी, वो मस्ती आनंद सब खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना नहीं। आपको उसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है आप चिट्ठी लिख दो, हमारा आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में है, आप बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन लिख दोगे चिट्ठी पहुंच जाएगी, आपको जवाब मिल जाएगा। वहां पर कार्यक्रम होते रहते हैं, अभी होली का कार्यक्रम 28 फरवरी, 1-2 मार्च यानी 3 दिन का यानी होली जा रहा है, आप चले आना, हम भी आते रहते हैं, आप भी थोड़ा आते जाते रहोगे तो आपको जो दिक्कत परेशानी होगी आपकी दूर होगी। आपको कोई अच्छा साधक समझ में आता है तो आप उससे पूछ लेना, जगह जगह पर साप्ताहिक सत्संग होते रहते हैं, साधना शिविर ये लोग लगाते रहते हैं, उसमें आप जाना पूछ लेना। लेकिन जो दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो उसको किसी को भी मत बताना, बिल्कुल मत बताना, नहीं तो वो चीज चली जाएगी। मान लो आप जिससे पूछ रहे हो और उसके पास यानी आपको जो मिला उतना भी नहीं है, तब तो वो आपका चला जाएगा, ज्यादा होगा तब तो जरूर ठीक है, अरे कुछ आपको बता देगा दे देगा, लेकिन अगर कम है और उस चीज को आप इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो, जब तक आपकी अंदर की आंख नहीं खुलेगी, अंदर का कान नहीं खुलेगा, तो इसलिए यानी आप चिंता मत करो। अब आप अगर जुड़े रहोगे, आते जाते रहोगे और सत्संग वगैरह सुनते रहोगे और भजन करते रहोगे तो आपकी समस्याएं सब सुलझ जाएंगी, चाहे अंदर साधना की हो और चाहे बाहर दुनिया की हो। तो बताना मत किसी को, किसी को कोई भी दिखाई कोई भी चीज सुनाई पड़े तो आप बताना मत किसी को। आप तीन चीज समझो, आप सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं, माला जपने को। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं, आंख से देखने को। और तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं, कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, तीन चीजें। तीन चीज और समझो, तीन आंख तीन कान और तीन नाक। देखो दो आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और एक आंख अंदर रूह में जीवात्मा,
उससे ऊपरी लोगों का नजारा दिखाई पड़ता है, ऊपरियों का दीदार उसी से होता है। तो दो आंख के बाहर और एक आंख अंदर, रूह में जीवात्मा में तीन आंख, दो कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर रूह में जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है, और तीन नाक। तो कहोगे भाई नाक तो ये कही है, जिसको आप नाक कहते हो ये तो जैसे नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए उस तरह से उसने बना दिया। किसने बनाया? जिसके लिए कहा गया अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। देखो हजारों आदमी आप बैठे हो लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? नहीं मिलता। तो ये उसकी बनावट है। तो दो सुराख हैं ये जिसको नाक कहते हो उसके नीचे, यह है नाक, और एक अंदर में है नाक। तो बाहर नाक से तो बाहर की खुशबू और अंदर के नाक से ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। तो तीन आंख तीन कान तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन तीन चीज ये, और को जगाते थे प्राणायाम करते थे। अब भी देखो एक पैर से खड़े रहते हैं, एक हाथ कोई उठाए रहता है, कोई पेड़ों पर लटका रहता है, कोई कांटों पर सोया रहता है, कोई आनी गर्मी के महीने में धूप में बैठ करके चारों तरफ आग जलाता है। लेकिन अब शरीर को तपाने और शरीर को कष्ट देने का समय नहीं है, अब तो मन को साधने का है, मन को मारने का है। मन अगर आपका रुक गया तो समझ लो कि आपका काम बन जाएगा, और इसी जन्म में फिर हानि आप पार हो जाओगे, दोबारा फिर दुख के संसार में नहीं आना पड़ेगा, और नहीं तो लौट लौट 84 आए फिर आना पड़ेगा, जन्म ने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो असली चीज तो यह है, एक है साधे सब सदस्य सब साधे से, इसको अगर आपने साध लिया तो धन पुत्र परिवार में भी आपको बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी, मानसिक शांति मिलेगा और आध्यात्मिक विकास तो होगा ही होगा। तो इसी तरह से आपको करते रहना है, और थोड़ा सा करना शाकाहारी का प्रचार। शाकाहारी सदाचारी लोगों को बनाना बहुत जरूरी है। शाकाहारी सदाचारी अगर लोग नहीं बनेंगे तो आने समय लोग कर्म लोगों के खराब ही होते रहेंगे, और कुदरत के खिलाफ काम करेंगे तो सजा दे देंगे, तो उसमें सजा में बहुत लोग मर जाएंगे। अब आप समझो अभी तक आपने कोई बीमारी तकलीफ नहीं देखा, तकलीफें अभी आगे आएंगी, नई नई बीमारियाँ आएंगी, नई नई डॉक्टर दवा भी नहीं खोज पाएगा, तमाम लोग मर जाएंगे। पृथ्वी के ऊपर देखो पाप बहुत हो रहा है, फिर धरती पर बहुत पाप हो रहा है। आप देखो ये पृथ्वी के ऊपर पाप हो रहा है तो ये हिलेगी पाप से। देखो जिसका दूध पीते हैं माता कहते हैं, उसी गौ माता का लोग मांस खा जाते हैं मार करके, तो ये पाप नहीं है और क्या है? अरे माँ को हो तो माँ जैसा व्यवहार करो उसके साथ, माता पिता की सेवा करने के बजाय देखो लोग घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। आप देखो यानी प्रकृति के खिलाफ बहुत काम हो रहा है, एक एक देवता दो दो यानी एक एक साथ दो दो देवता तकलीफ देने के लिए तैयार हैं। जैसे अभी आप बहुत लगेगी जगह जगह, पता नहीं चलेगा कैसे लग गई, फैक्ट्रियां स्वाहा, दुकानें खत्म, गांव के गांव, इस तरह से अभी आगे आई। ये तो एक टेलर है, टेलर जानते सब लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग सिनेमा देखने जाते ना पिक्चर हॉल में उनको मालूम है ट्रेलर क्या होता है। जो पिक्चर चलती है उसको तो दिखाते ही दिखाते हैं, आने वाली पिक्चर का थोड़ा हिस्सा इंटरवल में दिखा देते हैं। तो ये कुदरत का ट्रेलर है, ये जो सब हो रहा है आप पढ़ रहे हो अखबार में और रेडियो टीवी में जो देख रहे हो, अभी तो आगे आएंगी तकलीफें, आग भी लगेगी और हवा भी तेज चलेगी, कौन बुझा पाएगा? कौन देवता चलेंगे तेजी से और मेघ बादल बूंदे मोटी मोटी बरसात करेंगे तो तूफान का रूप ले लेगा, कौन रोक पाएगा? तो कुदरत है नाराज खड़ी, पर आगे तबाही बड़ी बड़ी। अब उस तबाही से बचना है, उन लोगों को बचाना है, फिर उसके बाद में यानी अच्छा समय आएगा। यानी आप समझ लो कि लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है कि सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा। हमारे गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि कलयुग अभी जा नहीं रहा है, लेकिन कलयुग के प्रथम चरण में ही यानी कुछ समय के लिए सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। आप एक कुर्सी पर दो राजा बैठ नहीं सकते, कमजोर पड़ेगा कलयुग और सतयुग जबरदस्त पड़ेगा। तो जब वो आएगा, आने लगेगा जब, तो ये भगेगा,
तो जितने कलयुगी प्रेमी हैं सबको रात ले जाएगा, तो उसमें बहुत लोग मरेंगे। बेमौत मौत किसको कहते हैं, अकाल मृत्यु किसको कहते हैं, समय अभी पूरा नहीं हुआ और बीच में मर गए तो अकाल मृत्यु बहुत होगी। अब जब अकाल मृत्यु में लोग मरते हैं बगैर उम्र पूरी किए हुए मरते हैं, तो सब प्रेत योनि में जाते हैं, और प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता, पेट बहुत बड़ा होता है, तो भूख से व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान किए रहते हैं। एक प्रेत अगर एक घर में घुस जाए तो पूरे परिवार को परेशान किए रहता है। अब आप समझो जब इसी तरह मुर्गा भैंसा बकरा आदमी करते रहेंगे तो सब प्रेत योनी में जाएंगे, तो कितने प्रेत हो जाएंगे। अरे अभी बहुत से लोगों को लगे, आप ना पहचान पाओ तो मैं बता दूंगा, अरे हमको आप कहीं ले चलो खड़ा कर दो, जहाँ 10-20-25 आदमी खड़े हैं मैं बता दूंगा, ऐसा बोलता है, ऐसा खाता है, ऐसा करता है, इस तरह मैं बता दूंगा। तो जब इतने प्रेत हो जाएंगे तो कौन चैन की रोटी खा पाएगा और कौन आराम से नींद सो पाएगा, इसलिए प्रेत योनि से लोगों को बचाना है। परिवर्तन तो होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप समझ लो कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं बंद होगी, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर चौपाटी से गुवाहाटी तक कोई भी मांस की मछली की अंडे की शराब की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर स्वतंत्र रूप से घूमेगी, देख करके किसी की भी नीयत ही नहीं खराब होगी। भावना की तो बात होती है, जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है, पति पत्नी की भावना अलग रहती है, भावना बदल जाएगी। दूसरे के धन को लोग जब जहर के तरह से मानने लगेंगे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझने लगेंगे, तो उसी समय समझ लो कि सतयुग का प्रादुर्भाव धरती पर दिखाई पड़ने लगेगा। समय पर जाला, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होगी, जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, जो दूध देने वाले पशु दूध नहीं देते दूध देने लगेंगे, सबको न्याय सुरक्षा मिलने लगेगी, परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। देखो संविधान जब भारत का बना था तो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया बनाया, उस समय की परिस्थिति के अनुसार ठीक बनाया, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई, समय बदल गया, तो अब वो नियम और कानून में यानी परिवर्तन संशोधन होना जरूरी है, तभी लोगों को न्याय मिल पाएगा। न्याय करने वाले न्याय नहीं दे पा रहे, मिलने वाले न्याय मिल नहीं रहा, सुरक्षा करने वाले ठीक से सुरक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहे, लोग सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर पा रहे, रोटी रोटी की समस्या आदमी के सामने बनी हुई है, लड़ाई झगड़ा, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या द्वेष, ठगी, देशद्रोहिता, ये सब बढ़ती चली जा रही है, तो उसमें अब इस वक्त पर अगर संशोधन कर दिया जाए, यानी लोगों को बिठा करके धर्म गुरुओं को बिठा लिया जाए और आपके समझ लो कि पार्टी के नेताओं को, प्रमुख पार्टियों के नेताओं को बैठा लिया जाए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के यानी जज को, चीफ जस्टिस को बैठा लिया जाए, सेना के प्रमुखों को बैठा लिया जाए, विशेषज्ञों को बैठा करके, और यानी समझ लो कि उसमें अगर संशोधन कर दिया जाए तो अभी व्यवस्था सही हो सकती है। तो जो सतयुग की व्यवस्था होगी वो तो सही होगी ही होगी, उसमें तो व्यवस्था अपने साथ सही होगी, और कुछ आदमी करेगा कुछ कुदरत कर देगी, कुछ परिस्थितियां व्यवस्था को बना देंगी, तो उस हिसाब से तो लो अच्छा समय आएगा। आप समझ लो कि देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बढ़ती चली जा रही उतनी ही व्यवस्था गड़बड़ होती चली जा रही। ये पार्टियां अगर खत्म कर दी जाए और यानी इसमें से अच्छे लोग निकाल लिए जाए, सदाचारी शाकाहारी लोग इनमें से निकाल लिए जाए, देशभक्त लोग इनमें से निकाल लिए जाएं, और कुछ को पक्ष में बैठा दिया जाए, कुछ को विपक्ष में बैठा दिया जाए, तो अभी व्यवस्था सही हो सकती है, तो व्यवस्था बदलेगी, सब सही हो जाएगा। आप समझ लो भाई भतीजा बात खत्म हो जाएगा, आप समझ लो जातिवाद खत्म हो जाएगा, एरियावाद, भाषावाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, केवल एक मानववाद रह जाएगा।
इंसान रह जाएगा, इंसानियत रह जाएगी, बाकी हैवानियत सब खत्म हो जाएगी, अच्छा समय आ जाएगा। लेकिन यह बीच का समय बहुत खराब है, इसको थोड़ा सावधानी से पार करना है, होशियारी से पार करना है, भजन करते हुए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना है, भजन करना है, लोगों को बच्चों को भी कराना है, क्योंकि कर्मों की सजा से कोई आज तक बच नहीं पाया। और बच्चों के कर्म अगर खराब हो गए, परिवार वालों के कर्म खराब हो गए, तो उनको कर्मों की सजा मिलने लगेगी, तो आपका भी मन खराब होगा कि देखो गुरु ने हमारी मदद नहीं किया। तो इसलिए बहुत ही सजग रहना और लोगों को बनाना है, समाज को बनाना है, समाज को सिखाना है। बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लोग तो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई बताने वाला ही नहीं आया कि मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ, शराब मत पियो, ये चीज़ आदमी इंसान के लिए नहीं है। तो अब आप ये समझो, जब आप बता दोगे और सुधर जाएगा, कोई भटक रहा है, कुएं में गिरने वाला है, गड्ढे में गिरने वाला है, उसको आप बता दोगे तो समझ जाएगा, और नहीं तो वो गिर ही जाएगा। जहर चाहे जान में खा लो और चाहे अनजान में खा लो, जहर तो अपना असर जताएगा ही, तो बुरे कर्म की सजा तो मिलेगी ही, चाहे जान में कोई करे चाहे अनजान में करे। आप जब बता दोगे तो वो अन्य सुधर जाएगा, बुराई से दूर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये परमार्थी काम भी आप लोगों को करना है, लोगों को समझाना और बताना है। तो देखो हमारा आश्रम उज्जैन में है और वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं, होली दिवाली का वहीं होता, जैसा होली का मैंने बताया, अभी आने समय लो कि 28 फरवरी को 2 मार्च को होगा, भंडारा का भी कार्यक्रम वहीं होता है। अभी पिछले भंडारे में 23 मई को आने, आप ये समझो कि 1,00,000 लोगों ने वहाँ बैठ करके शाकाहारी रहने और शाकाहारी लोगों को बनाने का संकल्प लिया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। वैसे अभी काफिला निकला था 23 अक्टूबर को, 31 दिन तक काफिला 4 प्रांतों में घूमा और उसका समापन ग्वालियर में हुआ, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वो भी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और दूसरा काफिला अभी 7 तारीख को निकला, यानी इसी महीने में 7 तारीख को निकला। अब आप समझ लो कि इधर से यानी आपका ये महाराष्ट्र और फिर उसके बाद में अभी कर्नाटक कल से शुरू हो जाएगा, कर्नाटक, आंध्रा, तमिल, और उधर आपके रामेश्वरम, और उधर आपके तिरुपति बालाजी, इधर पंपा सरोवर, और उधर सब घूमता हुआ, और फिर महाराष्ट्र में आ जाएगा, और महाराष्ट्र के बाद फिर छत्तीसगढ़, और फिर उड़ीसा में आने समय जो शिवरात्रि का कार्यक्रम करके और वापस आकर के 16 आने तारीख को फरवरी में रायपुर में इस काफिले का समापन होगा। प्रेम बराबर आने सहयोग कर रहे हैं, ये बराबर देखो अपनी गाड़ियाँ, अपना पानी, अपना तेल, अपना खर्चा से यानी ये सहयोग कर रहे हैं, अच्छा समय लाने में, एक दूसरे का कर्जा कर्म अदा कराने में ये लगे हुए हैं। आप लोगों का भी थोड़ा सहयोग इसमें हो जाएगा, अच्छा समाज, अच्छा देश, गुरु भक्ति, देशभक्ति लाने में, तो आपका भी यानी इतिहास में नाम हो जाएगा। तो ये समझ लो जो काम करता है अच्छा काम, वो उसको छिपाया नहीं जा सकता है, आज नहीं तो कल उसका इतिहास यानी बन ही जाता है। तो ज़्यादा समय अब आपका नहीं लूंगा, अब आपको करूंगा छुट्टी, लेकिन बगैर भजन कराए कोई छुट्टी नहीं, 5 मिनट तो भजन करना ही पड़ेगा। सुनाने का मतलब यही है, समझाने का, कि आप ध्यान और भजन करने लग जाओ, उसमें लग जाओ, तो बैठ जाओ भजन, भजन करते कान से सुनने को, तो कपड़ा डाल लो, इसे थोड़ा एकांत बना लो, यानी सुमिरन में भी कपड़ा डालेंगे, ध्यान में भी और भजन में भी, और मन को सुमिरन में भी रोकेंगे, ध्यान में भी और भजन में भी। तो कपड़ा डाल लो और आँख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, और कान में उंगली लगाओ कपड़े के अंदर से, बंद करो कान को और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो कि आवाज़ किधर से आ रही। तो समय कम होने की वजह से केवल 5 मिनट बैठाऊँगा, फिर घर पर आप करते रहें, सीख लो अभी कैसे करना है। बैठ जाओ, लगाओ कान में उंगली और पकड़ो आवाज़ को अंदर में, आवाज़ को पकड़ो, सुनने की कोशिश करो, बैठ जाओ सब लोग भजन पर, जब कहूँगा तब खोलना, उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा।
बोलो जय गुरुदेव। नहर की नजर करो मेरी ओर, नहर दया की नजर करो मेरी ओर, दया जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया उनके, अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिकों ने जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, सबके आभारी। आप लोग देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हटाओ तोड़ पूर्ण आंदोलन, धरना घेराव, मारकाट, हिंसा हत्या से कोई भी समस्या सुलझने वाली नहीं, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें। अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान करना, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, भजन करते रहना, शाकाहारी रहना, लोगों को शाकाहारी बनाना और दर्शन देते रहना। बोलो जय गुरुदेव।